तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं पीछे और तो इसी के साथ गाइस हमने जो बैक कैमरा लगाया आपको जरा उसका रिव्यू दे देता हूँ। भैया 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 पूरा लगाएंगे इसके अंदर बैक गियर लगाएंगे, बैक गियर लगाया और यहाँ पे आपको पूरा कैमरा ऑन हो चुका है यहाँ पे। अरे भाई 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 पब्लिक इंतजार कर रही है, इंट्रो तो मार दो यार, आज ना थक गया यार बहुत ज्यादा, चलो इंट्रो मारते हैं ना। ओके सो हेलो लवली पीपल्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइज आज का वीडियो का टॉपिक कुछ यूनिक है, कुछ मजा करने का मूड हो रहा था आज, इसलिए हम पसतुले पर आ गए और सनसेट देखो यार क्या मजा सनसेट हो रहा है कि नहीं, एक नंबर। वो तो गाइज अभी अभी यहाँ हुए थे, कहाँ पर आए हुए थे अभी हम, सतपुले। तो भाई जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो भाई बंदे अपने मिलते हैं, इतना प्यार करते, क्या नाम भैया आपका? भाई सोहेल नाम है। सोहेल आपका भाई? मेरा नाम आरवी। भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं? हाँ भाई, हाँ भाई सब्सक्राइब कर। लोगों को बता दो क्या करना है भाई? भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। कमेंट करो, शेयर करो और फैला दो भाई वीडियो हर जगह, दिल्ली वाले भाई हर जगह फैलानी है, तुम्हें तुम भी कर भाई शेयर। भाई शेयर करते हैं, बेल आइकन दबा रखा है? हाँ भाई दबा रखा है, बेल आइकन दबा रखा है, आप भी कर दो शेयर और नहीं कर दो भाई, इतना प्यार करते हैं क्या बताएं। लव यू ऑल गाइस। गाइस यार वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको कुछ मैं पर्सनल बातों के ऊपर जाऊँगा। देखो हमारे बीच जो है दानिश जियान, ठीक है यार, मैं उसको काफ़ी पहले से फ़ैन था और मैं उसी को देखकर यूट्यूब पर आया था। मैं बेशक बताता नहीं था बट मैं रियलिटी में आपको बताऊँ, मैं उसको देखकर यूट्यूब पर आया था क्योंकि यार उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, ठीक है। बट यार भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और यार आप भी प्रे करो और मैं भी प्रे करता हूँ। वो भाई एक ऐसा बंदा था जो 3 महीने में उसने क्या अचीव कर लिया था ना, बस कोई समझ नहीं सकता, और वो बंदा भाई नेक्स्ट लेवल था, उसके लिए दिल से सल्यूट है गाइस कि वो इतना अच्छा बंदा था और इतनी जल्दी इस मुकाम पे पहुंचा था। वो करीबन उसने 1-2 साल के अंदर ना इतना बड़ा अचीवमेंट लिया था ना, मैं कुछ बता नहीं सकता गाइस। काफ़ी लोगों ने गाइस इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसको बारे में पता नहीं क्या क्या वीडियो बनी है कि भाई वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था और क्या नाम है उसका, एक्सीडेंट ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो गाइस लोगों ने यार उस भाई का इतना फ़ायदा उठाया और लिटरली गाइस इतने व्यूज छापे हैं ना बंदों ने, क्या बताऊँ गाइस। अगर तुम दिल से अगर वीडियो बना रहे हो तो भाई तुम उसको मोनेटाइज क्यों कर रहे हो, मोनेटाइज तुम ऑन कर रहे हो और पैसे दबा रहे हो तुमको यार, किसी के बंदे के तुम मरने पे पैसे कमाओगे यार, शर्म आनी चाहिए गाइस, शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने वीडियो बनाई है ना, मैं मना नहीं कर रहा, चलो यार वीडियो बनाओ ठीक है कोई बात नहीं, तुम उस चीज़ को यार मोनेटाइज क्यों ऑन कर रहे हो मेरे भाई हो। बट गाइस मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, देखो जो था चलो ठीक है, चलो करो लोगों ने कमाया उसके नाम का भी, बट ये बहुत ज़्यादा गलत है गाइस। मुंबई का निकल भाई ने पोस्ट डाला कि ये दुनिया बस कुछ बोल ही नहीं सकता, दुनिया के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है। जो भी है गाइस यूट्यूबर्स है चलो कमा रहे हो अच्छी बात है यार, तुम तो अपने घर के लिए कुछ कर रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा अचीवमेंट कर रहे हो ठीक है, बट यार किसी के मरने के ऊपर ऐसा मत किया करो ठीक है प्लीज़, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ अपने। और भाई के मैं भाई के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं आ पाया बट मैंने कुछ पोस्ट अपलोड कर दिए थे ठीक है। और हाँ गाइस आपको यार एक खुशी की बात तो बतानी भूल गया, अपने होने वाले 1 लाख पूरे सब्सक्राइबर्स, और मैं आपको सब्सक्राइबर्स नहीं बोलता अपनी फैमिली मानता हूँ, 1 लाख की फैमिली हमारी कंप्लीट होने वाली है और यार आप सबको इतना प्यार है तो 1 लाख होने वाले हैं कम्प्लीटली और ठीक है, बट आपने इतना प्यार दिया थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। बस 3000 का फर्क है गाइस, 3000 का, उसके बाद पार्टी करेंगे, बट मैं मूड में नहीं था कि दानिश भाई के साथ इतना कुछ हुआ है, तो पार्टी के मूड में था नहीं वैसे तो। फिलहाल काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई अब जो हो गया सो हो गया यार, आप पार्टी करो और मीटअप करो, काफ़ी टाइम हो चुका आपने मीटअप की बोली हुई है, मैंने बोला था 50,000 रुपये करूँगा बट नहीं मिला मेरे को टाइम फिर भी, बट अब करेंगे मीटअप और बहुत शानदार मीटअप करेंगे, थोड़ा वेट करो और 1 लाख पूरे हो जाते तो अपने कम्प्लीटली, उसके बाद हम पूरा मीटअप करेंगे ठीक है। और हाँ गाइज यार ये वीडियो का टॉपिक तो बताना भूल गया मैं आपको, अभी चलते हैं फिलहाल करोल बाग, और करोल बाग क्यों जा रहे हैं हमें गाइज, मैंने गाइज अपनी 800 की वीडियो बनाता रहा और 2 वीडियो मैंने बनाई है शायद 800 की, आपने देखा भी होगा। तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ फिलहाल दोबारा करोल बाग जा रहा हूँ, जे ऑटो पर जा रहा हूँ, और आप हो रही थी यार मॉडिफाई पूरी क्रेटा, और क्रेटा के बारे में आपको थोड़ा बहुत आप काफ़ी मुझे कमेंट किया था भाई क्रेटा के बारे में बनाओ और अपनी 800 के बारे में बनाओ, तो अभी चल रहे हैं क्रेटा की पूरी वीडियो बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें बंदा लगवा रहा है ना वो चीज़ बनाते यार पूरी वीडियो आप देखना ठीक है, मजे करना। तो चलते हैं फटाफट से करोल बाग और ये वीडियो लास्ट तक देखना भाई, कितने का जोड़ रहे हो? सही था ना? अंकल भी देख रहे हैं। तो गाइस क्या प्यारी वाली गाड़ी लग रही है, पूरी नई गाड़ी है ये गाइस, पूरा बेस मॉडल है ठीक है, पूरा बेस मॉडल है, और इसमें आपको दिखाते हैं क्या क्या लगवाया है।
वो तो गाइज यार ये पूरा खोल रखा है इन्होंने, पूरा सिस्टम खोल दिया इसका। और आपको बताऊं मैं, आपको बताऊं गाइस जो स्टूडियो लगवा रहे हैं वो कौन सा स्टूडियो लगवा रहे हैं, हाइपरसोनिक का लगवा रहे हैं, हाइपरसोनिक है। और इसमें आप पूरा आपको एंड्रॉइड मिलेगा भैया, और इसमें 2GB रैम है इसके अंदर। अच्छा आपको 32GB का इसके अंदर इंटरनल मिल जाता है, 2GB आपको रैम मिल जाती है, और काफी टच सा स्मूथ है। जरा आपको टच चला के दिखाता हूं इसका मैं पहले। गाइस जो हाइपरसोनिक का पूरा स्टूडियो लगवाया है आपको, जरा मैं इसका टच का रिस्पॉन्स दिखा देता हूं। पूरा सेटअप हो चुका है ठीक है यहाँ पे। तो पहले भैया यूट्यूब ऑन करते हैं इसका। फिलहाल गाइस इसके अंदर हमने आईडी नहीं बनाई क्योंकि नया लगाया, बिल्कुल नया इंस्टॉल हुआ है। तो फिलहाल अभी हम क्रोम पे जाते हैं, क्रोम पे जाते हैं और टच का रिस्पॉन्स देख लो कितनी जल्दी क्लिक हो रहा है। और 2GB रैम में, और गाइस कोई भी हम गाना चला लेते हैं इसके अंदर, या NCS। गाइस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लिक काफ़ी अच्छे से हो रहा है, कोई टच की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आराम से दबाना, बिल्कुल हल्का टच करते गाइस पूरा क्लिक हो रहा है। चल गया पूरा, चल गया, अभी थोड़ा बफरिंग हो रहा है। रिस्पॉन्स गाइस काफ़ी अच्छा है, आपको दिखा दूँ ज़रा, ये देखो टच का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि 2GB रैम है इसमें। दो वेरिएंट आते हैं गाइस, 2GB रैम और 1GB रैम। अच्छा, और उसके बाद आपको क्या नाम है 16GB और 32GB मिलता है, 64GB भी आता है इसके अंदर। दो वेरिएंट आते हैं, दोनों वेरिएंट आपको दिखा दिया मैंने। दूसरा वेरिएंट का आपको अंदर दिखा दूंगा मैं कौन सा आता है, इसी के साथ आपको गाइस रिस्पॉन्स दिखा दिया मैंने आपको कैसा है। कोई भी क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये पूरा आ गया वापस डेस्कटॉप आ गया ठीक है आपका। इसी के साथ आपको मैक मिल जाता है, इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डर मिल जाता है, और फिर आपको सेटिंग मिल जाती है, प्ले स्टोर मिल जाता है, और मेन्यू ऐप्स के अंदर जाके देख लेना सारा, ड्राइविंग सिस्टम, क्लॉक और सब कुछ मिल जाएगा, टाइम सेटर है, सारा कुछ मिल जाएगा आपको इसके अंदर, ऑडियो सेटिंग वगैरह और कॉल वगैरह BT सब कनेक्ट हो जाता है। ये जो टॉप ऑर्डर का आपको जो रूफ रेल मिलती है वो रूफ रेल भी लगवा रहे हैं ठीक है भैया। रूफ रेल लगा रहे हो आप? हाँ, तो ये रूफ रेल लग रही है, ये इस मॉडल के अंदर नहीं मिलती, बट आप नए मॉडल के अंदर लगा रहे हैं पूरा, है ना जी। तो फिलहाल फिटेड कर दो उसको पूरा, इस साइड भी लगेगा और ये इस साइड भी लगेगा आपका पूरा ठीक है। और रूफ रेल आपको दिखा दूँ कौन सी भाई, कौन सी कंपनी के लगवा रहे हैं? गैलू कंपनी के भाई, रूफ रेल गैलू कंपनी के लगवा रहे हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के अंदर गैलू कंपनी की मिलती है। अच्छा क्या बात है, तो गाइस आपको इस कंपनी की मिल जाएगी ठीक है, और इस साइड भी लगवाएंगे। मुझे इसका पूरा नाम बता पहले भाई, क्या नाम है इसका पूरी लाइट का? टिल लाइट है मैट्रिक्स है। अच्छा, तो गाइस आपको सेम ऐसी लाइट आपको BMW के अंदर मिलती है, तो बट इसके अंदर भी आपको नए मॉडल के अंदर मिल रही है लाइट भी। इसी के साथ जब यहाँ आते हैं, यहाँ भी पूरी यही फिट करी है ठीक है, पन्नी चढ़ी हुई है, बट पन्नी उतार नहीं सकते हम। इसके साथ गाइस हमने नीचे लगवाई है, नीचे कौन सा क्रोम लगवाया भाई? ये लीक कंपनी का लगा, लीक कंपनी का पूरा क्रोम लगाया, जो कंपनी में लगा के देते हैं वही लगाया इसके अंदर। इसी के साथ अब नीचे हमने बैक कैमरा लगाया, कैमरा कहाँ इसका? इसी के साथ हमने पूरा कैमरा यहाँ फिट कराया कैमरा। इस कैमरे का नाम क्या है? मूविंग कैमरा लगाए हुए इन्होंने। तो गाइस जो यहाँ पर आपको पहले फोग लैंप कवर मिलता है वहाँ पे वो पूरा कवर आता है, अब यहाँ पे इन्होंने पूरी लाइट लगवाई है। इस लाइट का नाम क्या है? वही मिलेगा। और इसी के साथ आपको उसमें ये लाइट भी बदली है? नहीं, ये कंपनी से, जो कंपनी से लाइट आती है वही मॉडिफाइड। अच्छा, और गाइस इसी के साथ साथ आप एक बात और बताना मेरे को कि आपको क्रेटा का कौन सा मॉडल अच्छा लगता है, और कौन सा कलर का आप क्रेटा खरीदना चाहते हो, और कौन कौन ऐसी मॉडिफाई कराना चाहता है। गाइस सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, जो कंपनी से लगे आते हैं वो ये वाले होते हैं, ये बटन जिसमें लाइट भी ऑन नहीं होती, लाइट भी नहीं चलती इसके अंदर। इसके अंदर जो भैया ने जो लगवाए हैं ये बेस मॉडल वाले नहीं है गाइस। इसके अंदर गाइस आपको मैं कंट्रोल बताता हूँ, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रिप वगैरह मिल जाएगा, रीसेट मिल जाएगा, और क्या नाम है आपको कैंसिल ऑप्शन मिल जाएगा, सारा कुछ वॉल्यूम वगैरह का आपको यहाँ मिल जाएगा। तो भैया ने पूरा अपने जो न्यू मॉडल के अंदर वो लगवाया पूरा का पूरा ठीक है। इसी के साथ गाइस हमने जो बैक कैमरा लगाया आपको जरा उसका रिव्यू दे देता हूँ। गाइस देखो आप भैया पूरा लगाएंगे इसके अंदर, बैक गियर लगाया, और यहाँ पे आपको पूरा कैमरा ऑन हो चुका है यहाँ पे ठीक है। इसी के साथ ये भी लगाया पूरा माइक, और माइक की क्वालिटी भैया आपको कैसी लगी चलाने में? अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी भैया को, और डालते गियर हमारा पूरा बैक कैमरा ऑन हो चुका है। तो गाइस क्रोम ग्रिल लग रही है यहाँ पर भैया, कौन सा गम लगेगा? वही वाला गम लगेगा। गम का नाम क्या भैया? इसका गम का नाम क्या है? प्राइमर। तो फिलहाल गाइस ये फिट कर रहे हैं पूरी, और ग्रिल हमारे लगा दी यहाँ पर, पूरी ग्रिल लगा दी है भैया। हटती तो नहीं इस वाले गम से? नहीं हटेगी नहीं ना। तो गाइस पूरा ठीक है यार, ये देखो पूरी फिटेड कर रहे हैं, इसको पूरी फिटेड होने वाली है। अच्छा इसका किस ग्रिल का नाम क्या है भैया? हाँ भैया इस ग्रिल का नाम क्या है? VU है भैया, जो बेस मॉडल में जो आता है ना। हाँ टॉप मॉडल के लिए ये वाली ग्रिल लगवा रहे हैं इसके अंदर। पहले से अंदर कुछ नहीं लगा हुआ था, पहले नहीं लगी हुई थी भैया, पहले कुछ नहीं लगा हुआ था, अब इसके अंदर ये वाली लगवा रहे हैं ग्रिल, जो कि नया लुक देगी इसको पूरा, और काफी इनहेंस कर रही है गाइस लुक को, काफी अच्छी लुक में आ रही है गाड़ी। और ये लगने के बाद BMW लुक बहुत अच्छी आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो गाइस अभी देख लो जो आगे जो गाइस फॉग लैंप के जो कवर थे ये वाले कवर थे, और भैया ने पूरे हटवा दिए, चेंज करवा दिए।
ये भी हटवा दिया भैया ने लगवाए। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें हमने क्रोम कौन कौन सा लगवाया और कहाँ कहाँ लगवाए गए हैं। सबसे पहले आप दिखाऊँ जरा उधर ले गया उसको। गाइस ये देखो जरा, ये क्रोम यहाँ पे लगवाया है, ठीक है। जो आपको जो नया मॉडल के वाले लुक देती है, जहाँ भी ये भी लगाया ना, हाँ। ये क्रोम भी लगा। कौन से क्रोम लगे हैं ये वाले? ये ओरिजिनल लगा जो कंपनी में लगता था, जो कंपनी में जो लग के आते हैं वो वाले और ये लगवाए हैं पूरे, ठीक है। और काफी अच्छी लुक लग रही है इसकी अब फिलहाल, ठीक है। यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगवाया है और पूरे के पूरे में ये लगवाए हैं। ये गाइस हैंडल लॉक पूरे लगवाए गए हैं। और पीछे आपको दिखा दूँ, ये भी पहले कौन से वाले लगे हुए थे इसके अंदर? व्हाइट कलर का लगा था। व्हाइट कलर लगे हुए थे पहले गाइस, व्हाइट कलर के लगे हुए थे। अब इन्होंने पता नहीं कलर के लगवाए हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं लुक के अंदर भी। और क्या काम हुआ इसके अंदर? हमने रिफ्लेक्टर लाइट लगाया। रिफ्लेक्टर लाइट कहाँ पर है वो? तो गाइस ये लुक पहले ये इसके अंदर आती नहीं थी पहले लुक में तो के अंदर, ठीक है। ये पूरी रिफ्लेक्टर लाइट है और ये जलती है। इंडिकेटर जलता है इसके अंदर? नहीं, पार्किंग का ब्रेक पे, बस ओनली पार्किंग और ब्रेक पे ये लाइट ऑन होती है। और काफ़ी अच्छी लग रही है ये वाली लाइट भी। और साथ ही साथ दिखाऊँ तो आपको यहाँ भी ये वाली लगवाई है और लाइट वगैरह भी लगी पीछे। सेंसर लगा रही है, सेंसर लगा है अंदर। ये किस लिए काम आता है भाई? रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको डिस्टेंस बताया कितना। अच्छा, डिस्टेंस बताएगा और उस पर मतलब लाइट भी टू टू करने लग जाते हैं। तो गाइस वही सिस्टम है, ठीक है। ये सेंसर वगैरह लगे हैं और ये शार्क एंटीना लगवाया। अब यहाँ पूरे भैया ने शार्क एंटीना लगवाया जो आपको नए मॉडल के अंदर मिलता है यहाँ पे। और उसी के साथ आपको दिखाऊँ पहले ये वाला लगा हुआ था, ये वाला लगा हुआ था भाई। ऐसे करके टर्न करके सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करके जाना है कुछ भी हो जाए। तो गाइस अभी वाला लगवाए हैं, शार्क वाला लगवाया और काफ़ी अच्छे इनहेंस कर रही है लुक को बहुत ज़्यादा। गाइस ये है गाइस आपका हाइपरसोनिक का 1 GB RAM वाला जरा खोलना। ये भी ठीक काम करता है वैसे, ये थोड़ा बहुत जब ज़्यादा कुछ थोड़ा हैंग वैंग होता है, थोड़ा हैंग वगैरह हो जाता है जब ज़्यादा स्क्रीन सिस्टम डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 1 GB RAM को। कितने का पड़ जाता है ये आपको पड़ेगा? 9000 रुपये का। 9000 रुपये का पड़ जाएगा गाइस। तो 1 GB RAM का भी आपको 9000 का पड़ जाएगा और वो पड़ेगा आपको 12000 का। 12000 का पड़ा ना वो 12 का पड़ेगा। ये आपको क्या नाम है, ये कितना पड़ेगा? 9000 का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपके हाथ में कौन सा आप लगवाना चाहते हो? अब इसके अंदर लगवा रहे हैं हम ABS गार्ड लगा रहे हैं इसके अंदर। और क्या कौन सा लगा होता है इसके अंदर? पहले कोई नहीं लगा हुआ था, अब ये नहीं, अब नया लगेगा। अब ये ABS गार्ड लगा रहेगा इसके अंदर। और भैया जरा लुक दिखाना इसकी ABS गार्ड की। ये देखो गाइस जब ये लुक जाएगा तो ऐसा लगेगा पूरा, ये क्या बात है, लुक निखर के आ रही है इसकी। अब ये देखो बहुत सेक्सी लग रहा है। तो फिट करते हैं, पहले फिट करके दिखाते हैं आपको कैसा लगेगा ये। पूरा फ्रंट गार्ड लग चुका है यहाँ पर और ये देखो लुक गाइस यहाँ पे एनहांस कर रहा है। और ये सारी ग्रिल्स लग चुकी है, ग्रिल लग गई ऊपर रही है अभी। तो गाइस पूरी ग्रिल लग चुकी है और ये देख लो जरा पूरी ग्रिल लग गई है। साथ में साथ आपको जरा दिखा दूँ व्हाइट लाइट कैसी लग रही है। व्हाइट लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है, जो BMW वगैरह वो मिलती है डायरेक्टली। इंडिकेटर का सर क्या? इंडिकेटर का सर गाइस यहाँ पर पूरी व्हाइट लाइट लग रही है और आपको जरा यहाँ पे ये इंडिकेटर लाइट लग रही है इसकी, ठीक है। आप एक ही चला सकते हो। तो गाइस ये 70 mats है, ठीक है। और ये कौन सा मैट है भाई? ये 70 mat है। 70 mat, हाँ। तो जरा डालते हैं इसको भी कैसा लगता है। और लुक में देखो गाइस, आपको लुक देख लो जरा इसकी, बड़े फाड़ लग रहे हैं, बड़ी सेक्सी लग रहे हैं यार ये भी। लाओ लो यार अंदर डालो। जो गाइस जिन्हें पहले लगे हुए थे वो निकाल दिए इसके और ये वाले डाल रहे हैं इसके अंदर। और मैट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जरा आपकी लाइट लगा दिखा दो। थोड़ा बहुत लाइट का थोड़ा आया तो गाइस देख लो ये डल चुके हैं मैट, वहाँ भी लगा लो। तो भैया गाड़ी कैसी लग रही है आपको? गाड़ी बढ़िया लग रही है भाई, सारा काम हो चुका है, सारा काम हो गया, नई बनवा दी बिल्कुल। जय ऑटो काम कैसे लगा आपको? एक नंबर का, बहुत सही है ना, बढ़िया। जय ऑटो काम एक नंबर है, थम्स अप है जय ऑटो को। तो गाइस ये गाइस जय ऑटो, ठीक है। और ये नंबर इनका, यहाँ पे कॉल करके आ जाना पूरा। तो गाइस मैं आपको जरा दिखा दूँ काम, आपको यहीं से कराना है, ठीक है। दिलीप भैया का काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गाइस ये इनका नंबर है, ये तो ये गाइस इनका नंबर है और एक ये नंबर है। और जो इनका एड्रेस है पूरा आपको दिखा दूँ मैं, पीछे इनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ये देखो जय ऑटो नाम है। करोल बाग में कोई बता देगा आपको। यार नज़ारा देखो जरा भाई, नज़ारा दिखाओ, देख रहे हो गाइस नज़ारा देख रहे हो भाई, थक गए यार शूट कर करके। तो गाइस लोकेशन कैसी लगी और बताना यार लोकेशन कैसी लगी आपको। गाइस अगर आपको इस लोकेशन पे आना है ना, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा आता रहता हूँ, कभी भी वो टाइम मिलता है ना, जैसे मैं सैड होता हूँ तो अगर मुझे पढ़ने वगैरह से मिलना होता है। तो गाइस अभी मैं गाड़ी में शूज़ निकाल के पहन रहा था और भाई और लोग फिर मिले मेरे को। कैसे हो भाई? बढ़िया, भाई भी शेयर करते हैं और आप भी शेयर क्या करो भाई, बोल दो भाई, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो। बात कुछ ऐसी है घर जैसी है भाई, ये डायलॉग भाई फेमस करवा के देगा तू भाई, फेमस हो जाएगा। तो भाई अगर भाई को फॉलो नहीं करते ना तो भाई को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, जाओ भाई को फॉलो करो। भाई बहुत मेहनत कर रहा है भाई, मेरे साथ कुछ भी कहो भाई,
कैमरा से इतने अच्छे एंगल निकाला, जितने भी आप एंगल देख रहे हो ना, जितने सिनेमेटिक शॉट देख रहे हो आप, सारे भाई ने निकाले हैं जितने भी है, तो इसका शाउट आउट भाई को जाता है भाई को जाता है। एडिटिंग मेरा एडिटिंग का मेरा भाई एडिटिंग का काम है, शूटिंग का काम मेरा। हां भाई एडिटिंग का काम इसका, शूटिंग का मेरा है। तो एडिटिंग का मेरा है और शूटिंग का काम मेरा, शूटिंग काम इसका, जितने भी सिनेमेटिक शॉट है शूटिंग का, मुकाबले का नहीं है कोई। हां कोई मुकाबले का नहीं है, गोभी खोद देता भाई, ये भी किसी की खोदी थी ना आज तक भाई। आजकल भाई आजकल तू वैसे फोन बहुत ले जा रहा है, स्कूल में क्या बात है भाई? ऐसे लेके जाता हूँ, पता नहीं होता रात को मैसेज करता है भाई, सेट करवा दे रात को मैसेज करता है, गलत बात है भाई लाला। चलो तो गाइस देखो, आपको मैं बताता हूँ, ये जो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे पहले तो आप लाइक कर देना। ओ यार तूने चीज नोटिस करी, अपन भाई लोग कितने मिलने लगे, क्या बात है। सब्सक्राइबर आप इतना प्यार कर रहे हो ना, क्या बताऊँ। सब्सक्राइबर नहीं यार, अपना फैमिली हो मेरी, जितनी भी हो ना, 1 लाख की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। और भाई पार्टी करेंगे भाई, फुल पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे कहाँ पर करेंगे भाई? संजयवन चलेंगे, संजयवन चलेंगे रात में, नाइट आउट भी बना लेंगे, अपना व्लॉग भी बनेगा, पार्टी भी चलेगी, पार्टी भी चलेगी, सही बात है भाई, हाथ दुख गए यार। तो गाइस कौन कौन ऐसे क्रिएटर बनवाना चाहेगा जैवटो से, जैवटो का नंबर गाइस ये है, इनके पास कॉल करो। और आप कॉल करते आपको सीधा ये बोल रहे हैं कि एसएम रोज की मैंने पूरी वीडियो देखी थी और हमको डिस्काउंट चाहिए, आपको वो स्पेशली डिस्काउंट देंगे मेरे नाम से। और गाइस जो आपको पूरा एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, अगर आपको अपनी गाड़ी बनवानी है, चाहे कोई सी भी गाड़ी यार, BMW से लेके 800 नैनो है ना, जितनी भी आपको मॉडिफाई करानी है ना, सारा काम वहाँ पर हो जाता है, जितने भी आपको एसेसरीज वगैरह काम होते हैं सारा काम हो जाता है, टोटली एक नंबर काम करके देते हैं। और नो डाउट यार, इतना अच्छा काम करके देंगे ना आपको कि आपको दोबारा वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, कुछ खराब नहीं होगा उनको सामान वामान, ठीक है, एक नंबर का सेट करके देंगे आपको सामान। तो गाइज आपको यार ये वीडियो भी अच्छी लगे उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। और हाँ गाइज जाने से पहले यार आपको एक बात और बतानी थी कि मेरे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ये रही है, ठीक है, और भाई को भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और फॉलो करो, ये मेरी आईडी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फॉलो करो फटाफट से।